मेरे प्यारे देशवासियों, चाहे हमारा कृषि का क्षेत्र हो, चाहे हमारे लघु उद्योगों का क्षेत्र हो, चाहे हमारे नौकरी पेशा करने वाले समाज के लोग हो, ये करीब करीब सभी लोग एक प्रकार से भारत का मध्यम वर्गीय बहुत बड़ा संपूट है और मध्यम वर्ग से निकले हुए प्रोफेशनल्स आज दुनिया में अपना डंका जमा रहे हैं। मध्यम वर्ग से निकले हुए हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, साइंटिस्ट सबको दुनिया के अंदर अपना नाम डंडा जमा रहे हैं। और इसलिए ये बात तय है कि मध्यम वर्ग को जितने अवसर मिलते हैं वो अनेक गुना ताकत के साथ उभर करके आते हैं। और इसलिए मध्यम वर्ग को सरकारी दखलअंदाजी से मुक्ति चाहिए, मध्यम वर्ग को अनेक विध नए अवसर चाहिए, उसको खुला मैदान होना चाहिए। और हमारी सरकार लगातार मध्यम वर्ग के इन सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। मध्यम वर्ग के मिरेकल करने की ताकत रखता है। ईज ऑफ लिविंग, इसका सबसे बड़ा लाभ किसी को होना है तो मेरे मध्यम वर्गीय परिवारों को होना है। सस्ते इंटरनेट की बात हो, चाहे सस्ते स्मार्टफोन की बात हो, या उड़ान के तहत हवाई जहाज की टिकटें बहुत मिनिमम हो जाने की बात हो, या हमारे हाईवे हो, इंफॉर्मेशन वेज हो, ये सारी चीजें मध्यम वर्ग की ताकत को बढ़ाने वाली है। आज आपने देखा होगा मध्यम वर्ग में जो गरीबी से बाहर निकला है उसका पहला सपना होता है अपना घर होना चाहिए, वो एक बराबरी की जिंदगी जाना चाहता है। देश में बहुत बड़ा काम हमने ईएमआई के क्षेत्र में किया और उसके कारण होम लोन सस्ते हुए। और जब एक घर के लिए लोन लेता है तो लोन पूरी करते करते करीब 6 लाख रुपया की उसके छूट मिल जाती है। यह इतना ही नहीं, पिछले दिनों ध्यान में आया कि बहुत गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों ने पैसे लगाए हुए हैं लेकिन योजनाएं पूरी न होने के कारण खुद का घर मिल नहीं रहा है, किराया भरना पड़ रहा है। भारत सरकार ने 25,000 करोड़ रुपया का विशिष्ट फंड बना करके ये जो आधे अधूरे घर है उनको पूरा करके मध्यम वर्गीय परिवारों को घर मिल जाए उसके लिए हमने अब कदम उठाया है। जीएसटी में बहुत तेजी से टैक्सेशन कम हुआ है, इनकम टैक्स कम हुआ है। आज मिनिमम उस प्रकार के व्यवस्थाओं के साथ हम देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंकों को आरबीआई से जोड़ना, ये अपने आप में मध्यम वर्गीय परिवारों के पैसों को सुरक्षित रखने की गारंटी इसके साथ जुड़ी हुई है। एमएसएमई सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, इसका सीधा सीधा लाभ हमारे मध्यम वर्गीय मेहनत कश परिवारों को जाने वाला है। और उसके कारण हजारों करोड़ रुपए के स्पेशल फंड आज जो हमारे व्यापारी बंधुओं को, हमारे लघु उद्योगकारों को हम दे रहे हैं, उनको इसका लाभ मिलने वाला है।